हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफ अरुण। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है कलौंजी लेमचो विद अवोकाडो चटनी। ये कलौंजी लेमचो विद अवोकाडो चटनी बनाने के लिए हमारे पास लेमचो करीब 450 ग्राम है। इसके लिए हमारे पास है कलौंजी, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, मस्टर्ड ऑयल, थोड़े गर्म मसाले। सैलड के लिए हमने कुछ कैबेज और प्याज को काट के रखा है, रेड और व्हाइट कैबेज है, स्प्राउट है, थोड़ी चेरी टोमेटो है, रेड रेडिस है और ओलिव ऑयल है। इसके अलावा हमारे पास अवोकाडो चटनी के लिए हमारे पास अवोकाडो की हुई है, पील की हुई है, हाफ अवोकाडो है, ये हाफ पीस, चिली 2 पीस और 3-4 पीस गार्लिक के क्लोव्स है, और हमारे पास लेमन है, ये गार्निश के लिए है। तो ये लैम चॉप है, लैम चॉप में हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, करीब हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर हम डालेंगे 1/4 टी स्पून, इसके लिए हम डालेंगे कलौंजी करीब हाफ टी स्पून, रेड चिली पाउडर ऑल्सो हाफ टी स्पून, और हमारे पास ये गरम मसाले हैं इसे हम डालेंगे 1 टी स्पून, और इसमें हम डालेंगे करीब 3 टी स्पून मस्टर्ड ऑयल, 3 से 4 टी स्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने डाला है इसमें करीब 2 टी स्पून। अब इसको हम हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मैरिनेट करने के बाद हम कम से कम 20 से 25 मिनट रेस्ट देंगे ताकि मसाला अंदर तक जा सके। सियर करेंगे, सियर करने के लिए हमेशा गैस फ्लेम हाई होना चाहिए। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा मस्टर्ड ऑयल, तो हम लैम चॉप को डालेंगे, वो एक एक करके दोनों साइड से हम अच्छी तरह से पकाएंगे इसको। अब लैम्प चॉप को पलटी करेंगे, दोनों साइड से हम पकाएंगे, स्टीयर करेंगे। एक तरफ से हमारा कलर अच्छी तरीके से आ चुका है। इसको भी हम पकाएं करीब 2 से 3 मिनट तक, स्टीयर करेंगे। आप अगर चाहें तो इसे पैन में भी ढक के स्लो आंच में पका सकते हैं, लेकिन मैं इसे ओवन में डालूंगा। ये ऑलमोस्ट सियर हो चुका है दोनों तरफ से। मैं इस लैम चॉप को ट्रे में डाल के इसे मैं 200 डिग्री पे 15 मिनट के लिए मैं इसे बेक करूंगा। ये जो इसकी जो ऑयल है इसके ऊपर में हम डाल देंगे ताकि इसको थोड़ा मॉइस्चर मिले। इसके अलावा हमें टमाटो है, इसको भी थोड़ा सा हम सियर कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डाल देंगे ताकि ये भी उसके साथ कुक हो जाए। इसको हम प्री हीटेड ओवन हमारा रेडी है, इसमें हम डालेंगे 200 डिग्री पे हमारा ओवन है। इसको हम ओवन में डालेंगे, चटनी बनाने के लिए हम आवाकाडो को ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडर में डाल के हम आवाकाडो के साथ कुछ ग्रीन चिली डालेंगे,
और गार्लिक डालेंगे। इसके साथ हम थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे पीसने के लिए और इसे हम पीस देंगे। तो ये हमने एवोकाडो को मिक्सी में पीस लिया है, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे लेमन जूस और स्वादानुसार नमक, इसको हम मिक्स कर लेंगे। रेड और वाइट कैबेज और साथ में ओनियन, इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, स्वादानुसार नमक और ओलिव ऑयल, हम इसे मिक्स कर लेंगे। दिस इज ओनली फ्रॉम गार्निश के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अवोकाडो सॉस को हमने प्लेट में डाला है, इसे हम जस्ट एक गार्निश के लिए यूज़ कर लिए। हमारा लैम चॉप रेडी है। लैम चॉप को हम सजाएंगे, इसके लिए और हमारे पास जो हमने स्प्राउट रखा था उस स्प्राउट से हम इसे ऊपर से गार्निश कर देंगे। लैम चॉप विद अवोकाडो चटनी रेडी है, ये सब करने के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग शेफ अरुण।